नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीरन। मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइन इंजेक्शन के बारे में। इस वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं न्यूरोकाइन इंजेक्शन ये होता क्या है। न्यूरोकाइन इंजेक्शन एक विटामिन होता है, वो एक विटामिन ग्रुप से बिलोंग करता है। न्यूरोकाइन इंजेक्शन में क्या रहता है, मिथाइल कोबालामिन रहता है या मेकोबालामिन रहता है। न्यूरोकाइन इंजेक्शन एक मैन मेड विटामिन B12 होता है, यानी कि ये जो दवाई होता है, ये जो इंजेक्शन होता है वो एक आर्टिफिशियल विटामिन बी ट्वेल्व होता है आर्टिफिशियली। विटामिन B12 इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन एंड टिश्यू सिंथेसिस। यानी कि विटामिन B12 का जो पर्पज होता है, हम इस दवाई को क्यों यूज करें, इसके बात आए तो विटामिन B12 का मेन पर्पज होता है, इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, सेल रिप्रोडक्शन के लिए एंड ब्लड फॉर्मेशन, उसके साथ साथ प्रोटीन एंड टिश्यू सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अब दोस्तों उसको यूजर्स की बात करें, उसको कौन सा केसेस में यूज करने की बात करें, तो दोस्तों हमें जब विटामिन B12 का डिफिशियंसी होता है, न्यूरोकाइन इंजेक्शन इज यूज फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी। यानी कि कोई भी इंसान में अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी नज़र आता है तो अब आप इस दवाई को यूज कर सकते हैं। पेरीफेरल न्यूरोपैथी में आप यूज कर सकते हैं। पेरीफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है हमारा डैमेज हो जाना। क्या डैमेज होगा, नर्व डैमेज होगा। कहाँ कहाँ का नर्व डैमेज होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का नर्व को छोड़ के, बाकी जहाँ पे आपके हैंड में हो सकता है, आपके लेग में हो सकता है, वहीं का नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाना, उसे बोला जाता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। वही केसेस में आप इस दवाई को इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेगालोब्लास्ट एनीमिया। मेगालोब्लास्ट एनीमिया होता है कि अपने बॉडी से RBC रेड ब्लड सेल जो होता है RBC डिक्रीज हो जाना। डिक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन के थ्रू, उसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन, उसका डिक्रीज हो जाना। इन सारे केसेस में यानी कि अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाना, डिक्रीज हो जाना, इन सारे केसेस में भी आप इस दवाई को इंजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस दवाई का यूज करने तो हो गया, अब चलिए समझते हैं कि उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आप इस दवाई को यूज करते हैं फ़ायदा क्या होने वाला है, इट रेगुलेट बॉडी फंक्शन सच एज सेल मल्टीप्लिकेशन, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये रेगुलेट करता है हमारा बॉडी का बॉडी फंक्शन के रेगुलेट करता है सच एज, जैसे कि सेल मल्टीप्लिकेशन, हमारा बॉडी का सेल को क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। उसके साथ साथ ब्लड फॉर्मेशन, हमारा बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, हीमोग्लोबिन जितना रहना चाहिए वो ठीक करता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है हमारा बॉडी में। उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है हमारा बॉडी में। इन कॉम्बिनेशन विथ अदर विटामिन इट हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड इम्पोर्टेंट फॉर नर्व सिस्टम। इस दवाई को अगर आप दूसरी दवाई के साथ मिला के, यानी कि दूसरी दवाई के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होता है उसको बूस्ट करवाता है। उसके साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म पावर होता है बॉडी का उसका इम्प्रूव करता है, और उसके साथ साथ वो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है उसको ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल को जाके हमारा जो नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करवाता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा उसके फ़ायदा के बारे में, उसको कैसे यूज करें, यानी कि कैसे एक इंसान की जो बॉडी होता है उसके ऊपर इसको डाला जाए, कैसे दिया जाए। इट इज़ इंजेक्टेड फॉर IM एंड IV यूज ओनली, यानी कि आप इसको IM या IV दे सकते हो, बट इन मोस्ट केसेस ज़्यादातर इसको IM ही इंजेक्ट किया जाता है। योर डॉक्टर और नर्स विल गिव यू दिस मेडिसिन काइंडली, डू नॉट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर। अपने डॉक्टर या अपनी नर्स की मदद ले इस जो इंजेक्शन होता है इसको लेने के लिए, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि खुद इंजेक्ट ना करवाए। दोस्तों हर एक दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है बोलने से भी चलेगा। साइड इफेक्ट है या नहीं है कैसे, क्योंकि इस दवाई में जो इस जो इंजेक्शन होता है उसमें ना जो उनका साइड इफेक्ट नज़र आता है उसका मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होता है। ज़्यादातर केस में मेडिकल अटेंशन का ज़रूरत नहीं होता है। हैविंग सीरियस साइड इफेक्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर जैसे नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकता है आपको, हेडेक, नाउजिया, वोमिटिंग, डाइजीनेस, स्टोमक अपसेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, इन सारे केसेस, इन सारे नॉर्मल साइड इफेक्ट नज़र आ सकता है। अगर आपको कुछ सीरियस साइड इफेक्ट नज़र, और ये जो साइड इफेक्ट नज़र आता है वो कुछ देर के बाद अपनी बॉडी में डिसअपियर हो जाता है। अगर आपको कुछ भी सीरियस साइड इफेक्ट नज़र आता है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों हर एक चीज़ में जैसे सावधानी बरतना चाहिए, इस दवाई का भी कुछ सावधानी बरतना चाहिए कि इस दवाई जो लेने से पहले डॉक्टर का रिकमेंड होना चाहिए, डॉक्टर का प्रेस्क्राइब होना चाहिए, और कोई भी दवाई यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें या अपने आसपास की फार्मासिस्ट से जरूर एक बार पूछ लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और आपको अच्छी जानकारी मिलने से दवाई के बारे में, इसका मेन मोटो होता है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे, जय महाकाल।